कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका फर्स्ट केस कर रहे थे हम, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, जब डी डिस्टेंस पे बनी है फाइनल इमेज. सो वी हैव टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, राइट. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये जरूर शो करना है आपने. देन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ हियर, एंड रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड हियर दैट सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस. ठीक है, तो ये कहां पे, ये इसका फोकस क्लियरली शो करना है आपने, दोनों लेंसेज के फोकस क्लियरली शो करने हैं. एंड आई टोल्ड यू डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज एल. अब ये इसको ऐसे रखा गया है सेकेंड लेंस को कि ये जो ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे है. तो इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मीन्स वेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इट्स एफ एंड ओ, देन यू नो कि उसी साइड पे वर्चुअल इरेक्टर और मैग्निफाइड इमेज बनती है. सो डबल मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस देयर. आई टोल्ड यू, एक बार पहले फर्स्ट लेंस मैग्निफाई करता है, फिर सेकेंड लेंस एक बार और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है. सो डबल मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड. सो दो सिंपल माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस ओनली 10 और 40 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस 1000 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज. तो इसकी मैग्निफिकेशन 1000 टाइम्स तक जा सकती है. ठीक है, तो एक तो रे डायग्राम आपने बनाना है यहाँ पे. सो दिस इज डी वाला केस कि इमेज हमारी डी पर बनी है. देन टेम्परेरली हमने अब ऑब्जेक्ट को नाम दिया था ए बी, इंटरमीडिएट इमेज वॉज ए डैश बी डैश, एंड फाइनल इमेज इज ए डबल डैश बी डबल डैश. ये पॉइंट कौन सा है, ए डबल डैश बी डबल डैश. ठीक है, ए डबल डैश बी डबल, ये हमने कल बना लिया हुआ है, स्लोली बनाया था, आप कल की वीडियो देख लेना इसके लिए. ठीक है, देन वी डिड दिस, स्टार्टेड फ्रॉम हियर. डेफिनेशन ऑफ मैग्निफाइंग पावर, इट इज अ रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट डी, जब दोनों डी पे हैं. अब आप देख रहे हो कि फाइनल इमेज तो डी पे है बट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, ये तो डी पे नहीं है, तो हमने इसको टेम्परेरली यहाँ पे शिफ्ट किया था, टेम्परेरली यहाँ पे शिफ्ट किया था. सो दिस डी बी डबल डैश इज योर ऑब्जेक्ट. तो अब इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, अब ये ऑब्जेक्ट भी डी पे है और इमेज भी, हमारी फाइनल इमेज भी डी डिस्टेंस पे है. डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर. तो वो जो एंगल डी पॉइंट बना रहा है एट द आई वो अल्फा है, और जो इमेज बना रही है वो है बीटा. तो हमने टेन बीटा टेन अल्फा लेके इसको सॉल्व किया था और हमारे पास आ गया था फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एम ओ एम ई. यहां तक हमने कल डेरिवेशन कर ली थी, कैसे ये एम ओ इंटू एम ई आया था, प्लीज सी दैट वीडियो फॉर द डिटेल्स, कल की वीडियो. ठीक है, तो इसका मतलब कितने भी लेंसेज हों जो को एक्सियली रखे हुए हैं, मीन्स जिनकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, देयर मैग्नीफाइंग पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर्स. ठीक है, उनकी मैग्नीफाइंग पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर्स. ओके, एनी डाउट. तो ये आपने प्रूव करना है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ बोथ द लेंसेज. ठीक है, इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अब फर्दर हम इसको इलेबोरेट करते हैं. व्हाट इज कैपिटल एल हियर, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब. डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब. ठीक है, अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई डेरिवेशन, अभी हम हाफ वे पहुंचे. सो सी व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. हाँ, डिस्टेंस देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ओ, ये जहां इमेज बनी ये आपका वी ओ है,
जहां पे ये आपकी ऑब्जेक्ट है सेकेंड IPCAUE है, और जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो डी है, वो क्लियर है। मतलब हमने इस लेंस का ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस लिखा, इस लेंस का भी ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस मार्क कर दिया। सो दिस इज नाउ कंप्लीटली लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब हम MO कैसे लिखते हैं। आपको पता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला वी ओवर यू भी है। सो लेट अस राइट इट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, लेट अस राइट इट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आप ये देखो विद साइन पुट करते हैं, सो MO कैन बी रिटन एज वी आपका राइट साइड पे है प्लस वी ओ, और यू आपका लेफ्ट साइड पे है माइनस यू। तो एक तो हमने ये लिख के रख लिया, वी विल बी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ MO, इसको हम इस टर्म्स में लिख देंगे माइनस वी ओ ओवर यू ओ। नाउ वी आर गोइंग टू राइट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो आप देख रहे हो कि ये जो आईपीस है इट इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आई टोल्ड यू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ ऑफ अ लेंस देन इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट प्रोड्यूसेस वर्चुअली रेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। तो कल हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। हु विल टेल मी द फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। कम ऑन बच्चे, हरी अप, रेज हैंड। यस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कल हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, एक व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट डी और दूसरा व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। दो केसेस किए थे, ये डी वाला केस मैं पूछ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बताएगा, मानसी वॉज प्रेजेंट, यस मानसी आप बताओ। मैम वन प्लस डी ओवर एफ। वेरी गुड, वन प्लस डी ओवर एफ। सो सिंस दिस आईपी इज बिहेविंग सिंपली लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप वील बी डायरेक्टली यूजिंग दैट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम उसको डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूज कर देंगे। तो हम एम ई को क्या लिखेंगे, वन प्लस डी ओवर एफ, वन प्लस डी ओवर एफ ई। आईपीस के फोकस को हम एफ ई बोल देते हैं, इसकी फोकल लेंथ को। सो वी हैव बोथ द एक्सप्रेशंस रेडी, वी कैन पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन एंड वी गेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। समटाइम्स वी यूज दिस फॉर्मूला बट अभी भी हमने एक स्पेशल केस डिस्कस करना है, ठीक है। लेट अस राइट वन स्पेशल केस नाउ। इमेजिन जितना आप ऑब्जेक्ट को फोकस के क्लोज लेके जाओगे, आपकी ये जो इमेज है ये उतनी ही आईपीस के पास बनती जाएगी, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली, अब हम ये नहीं कह रहे कि वी आर एग्जैक्टली कीपिंग आर ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे नहीं रखना, फिर तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी, हम वो केस नहीं कर रहे हैं। अज्यूम कर लो कि हमारी ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है फोकस के, तो आपका जो यू ओ है अप्रोक्सीमेटली एफ ओ के इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। और आपका ये जो इमेज डिस्टेंस है, जब आपकी इमेज यहां बन जाएगी ऑलमोस्ट दूसरे लेंस के पास, तो ये आपका वीओ जो है ऑलमोस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस के इक्वल हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, जिसको डाउट है पूछ लो। मीन्स आई एम सेइंग कि व्हेन यूओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफओ, हम इसको अप्रोक्सीमेटली फोकस के पास रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव के, तो जो वीओ है अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल हो जाता है। ये पॉइंट किसको नहीं क्लियर वो पूछ लो। यस, हैव अ लुक एट दिस, बाद में जब खुद करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, सो बेटर है यू आस्क। किसको ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ पूछ लो, क्योंकि इमेजिन कि जब ये ऑब्जेक्ट आपकी ऑलमोस्ट फोकस के ऊपर पड़ी है, उतनी इमेज आगे बनती जा रही है, तो ये वाली जो इमेज है ऑलमोस्ट यहाँ पे बन गई, तो आपका जो वीओ है यहां से लेके यहां तक हो गया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस केस में वीओ आपका
लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल हो जाएगा और आपका यूओ जो है अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ ऑफ लेंथ के इक्वल है. सो पुट बोथ दीज वैल्यूज हियर इन द फॉर्मूला. तो उस फॉर्मूला में वीओ को एल पुट कर दो और यूओ को एफ नॉट एफ ओ पुट कर दो, आपकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा ये. सो दिस इज द नोन फॉर्म ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यू लर्न द फॉर्मूला इन दिस फॉर्म, माइनस एल ओवर एफ ओ इंटू वन प्लस डी ओवर एफ ओ. सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये अभी हमने कौन सा केस किया है, फर्स्ट केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी. सो हैव अ लुक एट द होल डेरिवेशन वंस एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ. So we have done two optical instruments, simple microscope, compound microscope, और उनकी magnifying power. इसका first case की है, second case अब हम करेंगे when the final image is formed at infinity. ऐसा case भी हो सकता है when final image is formed at infinity. Second case, final image formed at infinity. I am going to rub this ray diagram. So I am going to draw new diagram. ध्यान से देखिए, अब शुरू से समझ लो. Now again we have objective lens. And one thing more, why the lenses should have small focal length? Because you can see that magnifying power is inversely proportional to focal length of both the lenses. So both the lenses must have small focal length in order to get हाई लार्ज मैग्निफिकेशन. तो अच्छी मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करने के लिए दोनों लेंसेस स्मॉल फोकल लेंस के होने चाहिए. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए, ये हो गया ऑब्जेक्टिव ओ डैश. पहला वही रहेगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ, मैग्निफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड. फोकस में से ये रे पास करेगी, ठीक है. मैग्नीफाइड रियल इमेजेस फॉर्म्ड समवेयर. ये आपका यू ओ है, दिस इज वी ओ. इस लेंस का ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया. पहला रेगुलर केस है, बियॉन्ड 2f आपकी इमेज बनेगी, ठीक है. नाउ वी विल कीप द सेकेंड लेंस आई पीस इन सच अ वे दैट its focus lies here only. मतलब कि ये जो पहले की इमेज थी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट तो सर्व करेगी करेगी. We have kept the second lens in such a way now कि ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इसके फोकस पे, आई पीस के फोकस पे पड़ी. तो जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है, इमेज कहाँ पे बनती है? Yes, where is the image formed, Varun? जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है, where is the image formed? बोलो कहां पे बनती है इमेज, वरुण, तुषार, यू कैन आंसर. इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे बनती है ना. तो हमने यही बोला कि वी वांट द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी. तो इसका मतलब ये फोकस पे होनी चाहिए. अब इधर इन्फिनिटी वाला हमारा रे डायग्राम आ जाएगा, ठीक है. सो सी हाउ वी कंप्लीट द रे डायग्राम नाउ. So image is formed, final image is formed at infinity. Again this is distance between the lenses. और ये आपका UE है, eyepiece का object distance. और ये eyepiece का image distance, infinity. Objective lens का object distance, image distance. Eyepiece का object distance, image distance. Right? So is the ray diagram clear to you? एंड आप देख रहे हो कि यू ई जो है बेटर, वी कैन राइट इट एफ ई. इन दिस केस व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यू ई कितना है, हमने इसको फोकस पे रखा है. सो दिस इज एफ ई.
So how much is the length of this microscope tube in this case? Who will tell me? What is the length of microscope tube? Yes. Gitesh, what is the length of microscope tube now? Pehle thi V naught plus UE. How much it is now? Gitesh, would you like to answer? See, very simple. This is VO plus FE. VO plus FE. So you can write here. Length of tube is VO plus FE. Note it down in this case. Now let's do the derivation. How the formula gets changed. Again, we'll have M is equal to MOME. That is okay. But you had seen that in case of simple microscope, when the final image is formed at infinity, magnifying power ka formula tha D over F. In place of 1 plus D over F, it is only D over F. So, yahan pe bhi we will omit 1. We'll keep only D over F. So, what is the formula for magnifying power in the second case when the final image is formed at infinity? That is minus L into D over FO into FP. So, learn this formula. This is as such we can use in numerical problems. So, this is our second case of compound microscope. That magnifying power will be minus L into D over FO into FE. And it is still clear. It is more clear that magnifying power is inversely proportional to focal length of both the lenses. So to have large magnifying power, we should have lenses of small focal length. Iski focal length thodi si isse zyada hai. But dono ki waise hum kaun si prefer kar rahe hain? Small focal length ke dono lenses prefer kar rahe hain. So have a look at this. Is this case clear to you? So aapko koi bhi case pucha ja sakta hai. And you know, compound microscope is so important. Usually paper mein 5 marks ka question aata hai. Draw the ray diagram of compound microscope. Derive an expression for magnifying power. ये 3 मार्क्स का पार्ट होता है और उसके साथ 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है जो हम एक्सरसाइज में से करेंगे. ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए. डू द प्रैक्टिस ऑफ रे डायग्राम एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ रिटन डेरिवेशन आल्सो. तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत साल आता रहा है. यू कैन सी लास्ट इयर्स क्वेश्चन पेपर्स. सो दिस इज अबाउट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो दैट डे I was telling you about 3 parameters of a telescope. कौन बताएगा कौन से 3 parameters होते हैं that measure the effectiveness of a telescope? Who will tell me? Yes, raise hand. ऐसे बोल दो, कोई problem नहीं है. What are 3 parameters that decide the effectiveness of a telescope? Yes, hurry up. Waiting for your answers. बच्चे, if you will interact only then you will learn. कौन बताएगा? What are 3 parameters that decide the effectiveness of a telescope? Hurry up, come on. Yashika, you know that? Mansi, okay, yes. Mansi, बताओ आप. Magnifying power. Very good. हाँ, ये हर एक instrument की magnifying power बहुत important है. Yes, second क्या है? Resolving power. Yes. And third one is? Light gathering power. Very good. Excellent. So, 3 parameters in a telescope ke jo decide karte ki how good the telescope is or rather how good the optical instrument is. Ek to ye magnifying power hogi. Jitni zyada magnified image produce ho rahi hai, hume utna hi achha lagega wo optical instrument. Theek hai? और सेकंड थिंग है रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? लेट अस डिफाइन दैट थिंग. रेजोल्यूशन. अब आपको एक इमेज तभी अच्छे लगेगी ना अगर उसका रेजोल्यूशन हाई है. इतनी ये वर्ड तो आप समझते हो, रेजोल्यूशन. तो रिजॉल्विंग पावर उसी से रिलेटेड है. लेट अस डिफाइन दैट. रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? लिखिए डेफिनेशन. वैसे मैंने बताई भी थी उस दिन. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेक या टू फॉर्म सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत पास पास पड़ी हैं.
अगर वो इंस्ट्रूमेंट उनकी भी सेपरेट इमेज बना सकता है, जो बहुत पास पड़ी है उनको भी रिजोल्व कर सकता है, सेपरेट इमेज बना सकता है, देन द रिजोल्विंग पावर ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज क्वाइट गुड. ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिखी है डेफिनेशन दे कैन राइट रिजोल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस. Ability of an optical instrument to produce separate images of two closely spaced objects. Separate images of two closely spaced objects. ठीक है? And resolving power is found inversely proportional to limit of resolution. Resolving power of any instrument is found inversely proportional to limit of resolution. Now, what is this limit of resolution? Limit of resolution is the minimum distance between two objects so that they can be seen separately by an optical instrument. अगर हम चाहते हैं कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेपरेट इमेजेस प्रोड्यूस करे तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट वी कॉल लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एज वेल. लिख लीजिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. Minimum distance between two objects so that an optical instrument can form separate images. So that an optical instrument can form their separate images. So that an optical instrument can form their separate images. अब मैंने टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला बताया था, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप? हु विल टेल मी द फॉर्मूला? यस कम ऑन आदित्य, आपने क्लास अटेंड की थी, आप बताओ व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप? यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस ऑन रिजॉल्विंग पावर इन द बुक. Yes, come on. किसको आता है रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला? Yes, any one of you? गितेश आप बताओ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. गितेश नहीं याद आ रहा? डी ओवर 1.22 लैम्डा इट वॉज. Resolving power of telescope d over 1.22 lambda, where I told you d is diameter of objective lens and lambda is wavelength of light used. So to have large resolving power we should have objective lens of large diameter. Ye aage hum discuss karenge when we will do the telescope. And for compound microscope, note down the formula of resolving power. Again, inversely proportional to wavelength. It's 2 mu sine theta over lambda, where 2 mu sine theta is numerical aperture. 2 mu sin theta is numerical aperture. तो ऐसे आपको questions दिए होंगे, how will the resolving power of compound microscope change if wavelength of light is increased, decreased like that. So using this formula you can just comment upon कि how it is going to increase or decrease. Okay, this is an important parameter about compound microscope, right? चलिए पहले यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो.
यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। अब हम स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप की एक ही डेरिवेशन है, माइक्रोस्कोप की दो डेरिवेशन थी, टेलीस्कोप की वन है बस। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। यू ऑल मस्ट हैव सीन अ टेलीस्कोप। दिस इज अ टेलीस्कोप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एक आईपीस होता है जिसमें से हम देखते हैं, ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव होता है जिसके बिलो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। यहाँ से ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होती है फोकसिंग करने के लिए। तो जहां पे हमें क्लियरेस्ट डिस्टेंस दिखता है हम उसको वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज अ टेलीस्कोप, ठीक है। आपने भी लोअर क्लासेस में बनाई होगी टेलीस्कोप कभी। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। पहले लिख लो एस्ट्रोनॉमिकल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेलीस्कोप इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं। Why astronomical telescope cannot be used for looking at objects on Earth? Earth पे ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसका रीजन ये है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड सिंस द हेवनली ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल, उनकी इन्वर्टेड इमेज देखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम उनको यूज करते हैं। बट टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, अर्थ की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वी डोंट प्रेफर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू सी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन द बुक्स वेरी कॉमनली दैट यू आर गिवन टू टेलीस्कोप्स, विच टेलीस्कोप वुड यू प्रेफर टू सी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को देखने के लिए कौन सी टेलीस्कोप प्रेफर करोगे आप, एस्ट्रोनॉमिकल के टेरेस्ट्रियल? ऑफ कोर्स टेरेस्ट्रियल, क्योंकि हम उसकी इरेक्ट इमेज देखना चाहते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू सी इट्स इन्वर्टेड इमेज, सो वी वॉन्ट प्रेफर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन दिस केस। ओके, इज दैट क्लियर? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, वाई इट इज नॉट यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ? बिकॉज इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी वॉन्ट टू सी द इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो दैट्स वाई फॉर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ we don't use astronomical telescope, we use a different separate telescope that is called terrestrial telescope. Terrestrial term means earth, related to earth, uska meaning hi ye hota hai, theek hai।